हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम है फारूक और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज आप सभी लोगों को ले और एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। हमारे जो TPS एंट्रॉक है, आप सभी लोग यूज़ करते हैं एंट्रॉक, उसी लिए है। हमारे TPS एंट्रॉक की बोनेट के नीचे एक इनबिल्ट लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। जो लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं, उस लाइट का प्राइस है 30 रुपीज़। कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप पर जाके आप लोग खरीद सकते हो। और आज का वीडियो पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही एंट्रॉक रिलेटेड मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग इस बोनेट के नीचे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बोनेट के नीचे ब्लू कलर की LED लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो गाइस, ये लाइट इंस्टॉल करने के लिए चार चीज़ की ज़रूरत है: वायर, PVC टेप, स्क्रू ड्राइवर एंड LED लाइट एंड फेविक्विक। ठीक है, उसके बाद आपको ये स्क्रू खोलना है और उसका नीचे है लेफ्ट साइड के दो स्क्रू खुलने से आपका सामने का बोनेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, सामने का जो बोनेट है उसमें थोड़ा सा खींचेंगे, आपकी तरफ खींचने से आपका जो हम बाइक स्कूटी का बोनेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसको जो 3 स्क्रू है, 1 स्क्रू करना है, उसके बाद LED इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो बस स्क्रू खुलने से बाद वो प्लास्टिक हटा देना है और जो आप मार्किंग कर लेना है किसने इधर किधर आपको LED इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये LED आपको मार्केट में 30 रुपीज़ में 2 मिल जाएगा। तो गाइस, हम लोग इसका पीछे जो 3 mm की टेप है वो ओपन करके यहाँ पे स्टिक कर देंगे और फेविक्विक के मदद से अच्छे से और चिपक देंगे, जो लाइफ टाइम इस यहाँ पे चिपक रहे। ठीक है, तो गाइस हम लोग देख लीजिए यहाँ पे चिपक रहे हैं। ये लेफ्ट साइड का हो गया और राइट साइड का ये है। पीछे 3 mm की टेप है और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा फेविक्विक डाल देना, लाइफ टाइम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा आपका LED लाइट। थोड़ा सा फेविक्विक डाल देना साइड में, आपका जो प्लास्टिक का पार्ट है उसके साथ अच्छे से अटैच हो जाएगा। उसके बाद कनेक्शन की बारी है। तो गाइस, हम लोग का जो LED लाइट का नेगेटिव एंड पॉजिटिव कनेक्शन का वायर है उसका अच्छे से छोड़ लेना है और आप लोग को जो वायर ले थे उसके साथ कनेक्ट कर देना है। हम लोग रेड वायर को प्लस के साथ कनेक्शन कर दे रहे हैं, जो LED लाइट है उसका प्लस के, और जो ब्लैक कलर के वायर है हम लोगों का वो माइनस के साथ कनेक्शन कर दे रहा हूँ। हम लोग इस कनेक्शन करेंगे, हम लोग को एंटोर की जो DRL है ना उसका साथ कनेक्शन करेंगे। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, हम लोग पूरा बताया है कनेक्शन कैसे करेंगे। आप लोगों के लिए पूरा बताया है, पूरा वीडियो देखिए। ये है हमारी कनेक्शन, दोनों वायर यहाँ से वहाँ से ट्विस्ट हो गए। ट्विस्ट होने के बाद ये पूरा तार हम लोग रेड वायर को कर देंगे LED की पॉजिटिव से और ब्लैक के कर देंगे बैटरी का कोई नेगेटिव कनेक्टर से। ठीक है, इसका फेयरिंग लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे कनेक्शन करेंगे। आप तो गाइस, हम लोग जस्ट चेक कर रहे हैं जो हमारी बैटरी के नेगेटिव एंड पॉजिटिव कनेक्शन देके जो कैसे चल रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कैसे चल रहा है। उसके बाद आपको जो इस
कनेक्शन करने के लिए ADRL के साथ हम लोग करेंगे। उसका खोलने के लिए आपको ये पूरे पार्ट की स्क्रू अनस्क्रू करना है, ठीक है। और सामने का जो हेडलाइट का जो ऊपर का दो स्क्रू है उसको अनस्क्रू करना है। नीचे का दो स्क्रू है ये वाला, और लेफ्ट साइड का और एक अनस्क्रू करना है। उसके बाद आपका जो फेयरिंग है कुछ लूज हो जाएगा, सामने की तरफ आ जाएगा, आप अच्छा से कनेक्शन कर पाओगे। जो हेडलाइट का कपलर है उसका साथ DRL का है, देख लीजिए आप लोग। हम जो रेड कलर की वायर है वो हमारी हेडलाइट का ब्लैक कलर की वायर से कनेक्ट है, देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। और जो ब्लैक कलर की वायर है वो हमारी बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव हमारे बैटरी का नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्शन हो जाएगा। फेयरिंग लगाने के बाद देख लीजिए कैसा लुक आ रही है हमारी एंटॉर्क की। तो गाइस आशा रखता हूँ हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। 1K होने वाली है, आप लोगों से दुआएं से और सपोर्ट से प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और नए नए वीडियो पाने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना है।